शुगर के मरीजों को अब रोटी खाने से परहेज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आ चुका है डायबिटिक आटा, जिसे लखनऊ की ही कुछ महिलाओं ने मिलकर बनाया है। मेरा नाम जो है मिसेस मनी टंडन है और मैं श्री जगदम्बा महिला गृह उद्योग समिति की सचिव हूँ। और मैं जो हूँ, मैंने जो बनाया है वो डायबिटिक आटा बनाया है। और ये डायबिटिक आटा जो है डॉक्टर राजीव अवस्थी, जो कि शुगर स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने बनवाया है। क्योंकि मेरी जो संस्था है वो कई तरीके के आटे बनाती है। एक बनाती है वो मल्टीग्रेन मिक्स, जो कि 9-in-1 फ्लार के नाम से नारियों को सप्लाई होता है। तो जब डॉक्टर राजीव अवस्थी ने जो था इसको खाया, मल्टीग्रेन मिक्स को, तो उन्होंने मुझे बुलवाया और कहा कि आप हमारे लिए एक आटा बनाइए, डायबिटिक आटा। तो मैंने कहा श्योर। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स डायबिटिक आटा में पड़े हैं, जो भी रेशो है, वो सब डॉक्टर राजीव अवस्थी के द्वारा ही बताया गया है। तो जब मैंने ये बनाया और डॉक्टर राजीव अवस्थी को दिया, उन्होंने खाया, तो नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि आप अपने गृह उद्योग में, जो आपकी समिति, इसमें आप ये लॉन्च करिए और हम अपने पेशेंट्स को भी रिकमेंड करेंगे कि आप भी ये डायबिटिक आटा कंज्यूम करें। तो इस तरीके से ये डायबिटिक आटा जो है हम अपने इस उद्योग में लेकर आए हैं। इस आटे में क्या कुछ मिला हुआ है, उसकी खासियत बता दें। इस आटे में जो है वो 20% गेहूं है और 80% जो है वो मोटे अनाज है। तो गेहूं हो गया 20% और 80% में आया अलसी, रागी, ज्वार, बाजरा, चना, चिया सीड्स और सोयाबीन। और इसमें जो इसकी मात्रा बताई है वो डॉक्टर राजीव अवस्थी जी ने खुद बताई है कि आप इस तरीके से बताइए ताकि कि आपके शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। मैंने अपने मदर के साथ भी इसको यूज़ किया, उनका भी शुगर लेवल जो था बिल्कुल कंट्रोल में। उनको तो खैर 70+ हैं और 30 ईयर से ऊपर से उनको डायबिटीज़ है, लेकिन अब उनकी जो डायबिटीज़ है वो बैलेंस्ड है। मैम, हम ये जानना चाहेंगे आधा किलो या एक किलो इसकी क्या कीमत है। एक किलो की जो है वो 160 रुपीज़ है। और आप जैसा कि देखेंगे, जितने भी मोटे अनाज हैं, मैं सबको ये रिकमेंड करूँगी, जितने भी मोटे अनाज आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इसको आप भून के ही यूज़ करें, तो ताकि उसे डाइजेस्ट करना आसान रहता है। लोग जो हैं वो मोटे अनाज ऐसे ही लेते हैं और वो पिसवा लेते हैं, वो चीज़ सही नहीं है। हमेशा मोटे अनाज आप भून के लीजिए तो उसका टेक्स्चर आपको बहुत अलग मिलेगा। आप ऐसा लगेगा जैसे कि आप पुराने जिस ज़माने में जो सौंधी सौंधी रोटियाँ होती हैं उसकी स्मेल और उसी का टेस्ट आएगा। क्योंकि ये जो आटा है अमूमन लोग सवाल खड़े करेंगे, तो हम ये जानना चाहेंगे क्या ये टेस्टेड है। टेस्टेड तो नहीं है, जो टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन हाँ इसको जो है काफ़ी लोगों ने कंज्यूम किया है, उनके रिजल्ट मैं बता रही हूँ। और अगर किसी को लेबोरेटरी टेस्ट कराना है तो वो करा भी सकता है। और जैसे अगर कोई शुगर के मरीज को ट्राई भी करना चाहता तो ट्राई कर सकता है। हाँ, वो ट्राई कर सकता है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं पड़ी हुई है जो कि क्या कहते हैं आपका, जिसे कहना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। यानी ये है कि इसे खाने के बाद शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। हाँ, लेकिन शर्त यही है, जो डायबिटिक पेशेंट है उनको सिर्फ यही आटा खाएं। जो यही आटा खाएंगे तो नहीं है, लेकिन अगर आपने गेहूं का इंटेक ज़्यादा कर लिया तो आपकी शुगर लेवल शर्तियाँ बढ़ेगी। और इस आटे का जो आपको असर है वो 2 से 3 महीने के बाद ही आना शुरू होता है। मैम, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी इसकी बिक्री कितनी है आपके पास। अभी तो माउथ पब्लिसिटी से है और जैसे डॉक्टर राजीव अवस्थी रिकमेंड करते हैं वो है, और जिनको फ़ायदा किया है वो लोग हमको अप्रोच करते हैं। मैम, अभी ये जो आपके हाथ में है ये कितने ग्राम का है। ये मेरे पास 500 ग्राम्स का है, इसकी कीमत जो है 80 रुपीज़ है। और ख़ास बात ये कि डायबिटिक जब मरीज होते हैं या डायबिटीज़ उनको हो जाती है तो खाने में काफ़ी कुछ पाबंदियां लग जाती हैं, जैसे वो चावल नहीं खा सकते, आलू नहीं खा सकते, रोटी नहीं खा सकते, उन्हें ज़्यादातर जो है सामान्य से फूड पर ही जीना पड़ता है, जिससे उनके मुँह का स्वाद भी ख़राब हो जाता है। तो कई बार जो मधुमेह के मरीज होते हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं खाने पीने को लेकर के, तो उनकी समस्या का समाधान इस आटे के जरिए कर दिया गया है। तो ऐसी और जानकारी जुड़े मेरे साथ, मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, लोकल 18।